Assalamu alaikum, dear students. Hope you will be fine. Today we will go through the textbook of English textbook book of class 7th, and we will read a chapter Fetching the Doctor. Fetching the Doctor. So open your books. I will read few lines here. One night as I lay deep sleep upstairs, I heard my mother call, and a sharp note of alarm in her voice roused me. "Hamlin," she called, "get up at once. You must go for the doctor. Your father is very sick. Hurry." "I hear you. I am coming," I called as I flew into my clothes. Still partly asleep, mother met me with a white, frightened face. "Your father is in terrible pain. Go for the doctor at once." One night, as I lay in deep sleep upstairs, एक रात जब मैं सीढ़ियों से ऊपर गहरी नींद सोया पड़ा था, I heard my mother call and a sharp note of alarm in her voice roused me. मुझे मेरी माँ की आवाज़ सुनाई दी और उसकी आवाज़ में तशवीश के एक लहजे, तीखे लहजे ने जगा दिया. "Hamlin," she called, "get up at once." हेमलिन, उसने पुकारा, फौरन जाग उठो, फौरन जाग उठो. "You must go for the doctor." तुम्हें ज़रूरी तौर पर डॉक्टर के लिए जाना होगा. "Your father is very sick. Hurry." तुम्हारा वालिद बहुत बीमार है, जल्दी करो. "I hear you. I am coming." मुझे तुम्हारी आवाज़ सुनाई दे रही है, मैं आ रहा हूँ. "I called as I flew into my clothes still partly asleep." मैंने आवाज़ दी जब मैंने जल्दी से अपने कपड़े पहने. अब भी कुछ थोड़ी नींद बाकी थी मेरी आंखों में, तो माँ मुझे एक मदर मेट मी विद अ वाइट फ्राइटनड फेस. माँ मुझे एक सफ़ेद डरा हुआ चेहरा लिए मिली. "योर फादर इज़ इन टेरिबल पैन." तुम्हारा वालिद खौफनाक दर्द में है. "गो फॉर द डॉक्टर एट वंस." डॉक्टर लाने के लिए फौरन जाओ, डॉक्टर लाने के लिए फौरन जाओ. "I could hear my father cry out as I lighted the lantern and put on my coat." मैं अपने वालिद को चिल्लाते हुए सुन सकता था जब मैंने लालटीन जलाई और अपना कोट पहना. "It was 1 o'clock in the morning." सुबह का 1 बज चुका था. "And the wind was cold as I carefully made my way through mud and ran to the barn." सुबह का 1 बज चुका था और हवा ठंडी थी जब मैंने कीचड़ और बारिश में से खलियान तक एहतियात के साथ अपना रास्ता लिया. "The thought of the long dark miles to town made my hands shake." क्योंकि मुझे बहुत दूर जाना था टाउन तक, कस्बे तक. इसे क्या हुआ, मेरे जहन में यह आ गया कि मुझे अभी दूर जाना है. इस सोच से मेरे हाथ कांपने लगे. लेकिन इसी असना में मैंने ये भी सोच लिया, बट एज द सन ऑफ अ सोल्जर आई कुड नॉट फेल इन माई ड्यूटी. लेकिन एक फौजी का बेटा होने की वजह से मैं अपने फ़र्ज़ में कोताही नहीं कर सकता. तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, आप ये लिख सकते हो. यहाँ पे एक वर्ड है, पार्टली है एक वर्ड, पार्टली. पार्टली मीन्स कुछ थोड़ा थोड़ा. टेरिबल है एक वर्ड, टेरिबल मीन्स खौफनाक. टेरिबल मीन्स खौफनाक. एक और वर्ड है यहाँ पे, फ्राइटनड. फ्राइटनड मीन्स डरा हुआ. फ्राइटनड मीन्स डरा हुआ. यहाँ पे एक और वर्ड है, लेंटर्न. लेंटर्न मीन्स लालटीन. लालटीन जो हमारे पास होता है, सोलर लेंटर्न. इससे पहले वो कैरोसिन का लेंटर्न होता था, तो आज जो है वो सोलर लेंटर्न आता है. तो एक और वर्ड है BARN, बैर्न. बैर्न मीन्स खलियान, खेत वगैरह. ठीक है, तो उम्मीद है कि आपने बिल्कुल ये समझा होगा. तो बाकी जो इसका हिस्सा है वो इंशाल्लाह हम अगली क्लास में पढ़ेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.